नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, हर व्यक्ति की सुख समृद्धि काफी हद तक ऐसी स्त्री पर निर्भर करती है जो घर के सारे काम कार करती है और सभी का ख्याल रखती है। लेकिन कुछ ऐसे काम भी हैं जो महिलाओं को नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी कभी नहीं आती है। दोस्तों, प्राचीन काल से ही बहू बेटियों को माँ का रूप माना जाता है। दोस्तों, ऐसा मान्यता है कि अगर कोई स्त्री चाहे तो किसी भी घर को स्वर्ग बना सकती है, किसी भी घर को चाहे तो नरक बना सकती है। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिनकी वजह से घर में दरिद्रता आती है, और वही कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो घर में सुख समृद्धि लाती है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं महिलाओं को कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, पहली बात है कि झाड़ू को कभी भी पैर ना लगाएं। जिस घर में झाड़ू को पैर लगाया जाता हो या फिर ठोकर मारी जाती हो, वहाँ कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। ऐसे घर में हर वक्त दरिद्रता छाई रहती है। माना जाता है कि झाड़ू में देवी लक्ष्मी का रूप होता है। वहीं दूसरी बात कि चूल्हे पर कभी जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। दोस्तों, कभी भी घर पर खाना खाने के बाद जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि घर में रात के समय जूठे बर्तन छोड़ दिए जाते हैं, वहाँ गरीबी का वास होता है और वह दुख का कारण भी बनता है। इसीलिए रात को चूल्हे पर जूठे बर्तन ना रखें। दोस्तों, जिस घर में दरवाजे को ठोकर मारकर खोला जाता हो, वहाँ पर भी लक्ष्मी का निवास नहीं रहता है। कहा जाता है कि धन की देवी माँ लक्ष्मी इससे नाराज हो जाती है। अगर आपके घर में ऐसा होता है तो तुरंत इसे रोक दीजिए। दोस्तों, कभी भी दहलीज पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि जिस घर में महिलाएं या पुरुष ऐसा करते हैं, उस घर में दरिद्रता का वास होता है। साथ ही साथ अन्न का अपमान होने की वजह से श्राप भी लगता है। वही दोस्तों, कभी भी रात के समय में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। जिस घर में ऐसा होता है, वहां से उस घर से पैसों का सफाया होता है। दोस्तों, हो सके तो शुभ मुहूर्त में ही झाड़ू लगाना चाहिए, यानी कि 4 से 5 बजे, यानी कि सुबह के समय। और हो सके तो कम से कम हफ्ते में एक बार समुद्री नमक से पोछा लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर से पैसों की परेशानियां दूर होती है। इसके अलावा धन की देवी माँ लक्ष्मी भी खुश हो जाती है। दोस्तों, कभी भी दिन के समय नहीं सोना चाहिए। कहा जाता है कि दिन के समय सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए दिन के समय हमें कभी भी सोना नहीं चाहिए। हमें सीधा रात के समय ही सोना चाहिए। दोस्तों, सुबह के समय आंगन साफ जरूर करना चाहिए। जिस घर में सुबह के समय आंगन की सफाई नहीं होती है, कहा जाता है कि उस घर में कभी भी देवी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। इसीलिए दोस्तों, सुबह के समय आंगन की सफाई जरूरी होती है। अगर आप चाहें तो गंगा जल भी छिड़क सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ बातें ऐसी थी जिन्हें करने से आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।